कहना चाहता हूं कि ये तेलंगाना जहां निजामों ने राज किया उसके अंतिम निजाम थे जिनका नाम था नवाब मीर उस्मान अली खान। ये अंतिम तेलंगाना के नवाब रहे जिन्होंने तेलंगाना में राज किया और इनका अंतिम फरमान क्या था? अंतिम फरमान था दस्ते निशान 53। दस्ते निशान 53 इसका मतलब था कि तेलंगाना में कोई भी जनसभा नहीं कर सकता है, कोई भी बिना परमिशन के कोई भाषण नहीं दे सकता है, कोई स्कूल नहीं खोल सकता है, कोई लाइब्रेरी नहीं खोल सकता है, कोई अखबार नहीं चला सकता है, कोई जनसभा नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे वीर उस्मान साहब अली खान ये भूल गए कि ये फरमान उनका अंतिम फरमान था। और मैं आज के निजाम केसीआर को बताना चाहता हूं, तुम्हारा भी प्रोहिबिटरी ऑर्डर ये अंतिम फरमान होगा, इसके बाद तुम्हारी भी छुट्टी हो जाए। ये नए निजाम आ रहे हैं और नए निजाम का क्या कहना। मैं भ्रष्टाचार की बात करूं, मैं पीछे भी आया था जहां मैं एक तरफ बताता हूं कि आदरणीय मोदी जी के राज में विकास की झड़ी लगी है, विकास का कार्यक्रम चल रहा है। मैं यहां आज आया हूं, मुझे याद है कि कम्बम से मैं जा रहा था तो ककातिया मेडिकल कॉलेज के बारे में उस समय धर्मराव जी ने, हमारे मुरलीधर राव ने, हमारे संजय पंडित जी ने कहा कि इस हॉस्पिटल की बुरी हालत है। और मैंने उसी समय मोदी जी के आशीर्वाद से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए 120 करोड़ रुपए उसी समय हमने सैंक्शन किए। विकास की अनेकों कहानियां हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे ये युवा सशक्तिकरण हो, चाहे गांव का विकास हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे उज्ज्वला के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, गरीबों के पेट में दो वक्त की रोटी का इंतजाम हो, फिर चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो और फिर चाहे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हो, आज किसानों को ताकत देने का काम, महिलाओं को ताकत देने का काम, युवाओं को ताकत देने का काम, समाज में दलित वंचित पीड़ित को ताकत देने का काम, अगर ये काम किसी ने किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। लेकिन जब मैं यहां की बात करता हूं तो मुझे दुख भी होता है। अभी मुझे बताया गया जब 11 जिलों में फ्लड्स आए तो केंद्र ने 377 करोड़ रुपए एलोकेट किए, 377 करोड़ और 188 करोड़ रुपए उसमें से रिलीज किए, लेकिन कोई भी मदद केसीआर के द्वारा इन पैसों से जनता की नहीं की गई, उनकी अनदेखी की गई, इस बात को भी हमको जानना। मैं जब केसीआर के भ्रष्टाचार की बात करता हूं तो मुझे यह बताते हुए दुख भी होता है कि केंद्र ने सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स में 3982 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में स्टेट तेलंगाना को दिया, लेकिन अभी तक तेलंगाना का राज्य सिर्फ 200 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाया है। ये सारे आंकड़े मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि एक तरफ विकास के लिए प्रधानमंत्री जी तेलंगाना की जनता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहीं केसीआर फंड को रिलीज नहीं कर रहे हैं और फंड रिलीज कर रहे हैं तो डाइवर्ट कर रहे हैं, जनता को नहीं दे रहे हैं, इस बात को भी हमको याद रखना होगा। मित्रों, मैं बड़े अदब के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे नेता जहां स्कीम्स का नामकरण भी बदल रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार का पैसा लेकर के अपने नाम पर स्क्रीन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों,
मैं एक बात यहाँ आपसे जरूर कहना चाहता हूँ कि एक बहुत स्ट्रगल के बाद तेलंगाना राज्य आया। सब लोगों ने मेहनत की थी और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी रही जिसने सबसे पहले तेलंगाना राज्य का समर्थन किया था और तेलंगाना राज्य को बनाने के लिए अपना योगदान किया। वी वर द फर्स्ट काकानाडी रिजोल्यूशन, काकीनाडा रिजोल्यूशन। ये काकीनाडा रिजोल्यूशन उस समय हम लोगों ने किया था और आंध्र प्रदेश के दो हिस्से होने चाहिए, आंध्र और तेलंगाना, ये बात कही। लेकिन जिस तरीके से पिछले सालों में तेलंगाना को नीचे दिखाने का प्रयास केसीआर के द्वारा हुआ है, ये तेलंगाना की जनता कभी उनको माफ करने वाली नहीं है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी कई बार चर्चा होती है और मैं भी उसको चर्चा में हमेशा लाता हूं, और वो चर्चा इस बात की होती है कि हमने विकास के दृष्टि से यहां पर हर तरीके से टीम्स को आगे बढ़ाने का काम किया। यहां पर जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, यह प्रोजेक्ट अपने आप में एक भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बना, जहां उसमें 40,000 करोड़ रुपए खर्च होने थे, आज 1,40,000 करोड़ रुपए खर्च होने की बात है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कालेश्वरम ये केसीआर का एटीएम बन गया है और ये पैसा बनाने का मशीन बन गया है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, इस बात को भी हमको आपको याद होगा। उन्होंने 2 बेडरूम हाउसेस की बात की थी और प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और हमारे रूरल, ये दोनों स्कीम्स, ग्रामीण का भी और शहर का भी, दोनों ही स्कीम्स को एक तरीके से ताक पर रख दिया है, उसके भी विकास को रोक दिया है। इस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है जिसको हमको याद रखना चाहिए और समझना। मित्रों, हर तरीके की बात जब मैं कहता हूँ तो मैं ये भी कहूंगा कि केसीआर ने कहा था कि हम सितंबर में लिबरेशन डे मनाएंगे, आज वो भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि मजलिस के कारण आज उनके दबाव में आकर के जिन रजाकारों के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिनके खिलाफ निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, और जब लिबरेशन डे तेलंगाना की मनाने की बारी आई तो केसीआर उसको भूल गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले समय में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगाएंगे और लिबरेशन डे हम मनाएंगे, सरकारी तौर पर मनाएंगे, इस बात को भी हमको याद रखना। मित्रों, अगर हम विकास के दृष्टि से बात करें तो जितनी भी स्कीम्स, जिन स्कीम्स को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है, उसको केसीआर रोकने का प्रयास करे। आज ये लाखों करोड़ के घाटे में चलने वाला प्रदेश बन गया, जो प्रदेश विकास के लिए छलांग लगाने वाला प्रदेश था वह आज विकास से वंचित हो गया। यहां भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार की आग यहीं तक नहीं रुकी है, भ्रष्टाचार की आवाज और उसकी सेक दिल्ली तक पहुंची है, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। हर तरीके से भ्रष्टाचार, क्या ऐसी सरकार को आप रहने देंगे? क्या ऐसी सरकार को आप किया था? आपने हुजूराबाद में हुजूर को नीचे लगाया था कि नहीं लगाया था, और राजेंद्र हेटला को जिताया था कि नहीं जिताया था? अब अगली बार आपने सारे तेलंगाना में आपने इनको धमाका देना है, इनको घर बैठाना है और कमल खिलाना है, इस बात के लिए हमको काम करना है। मित्रों, आपको हमारे वरिष्ठ साथी बहुत सी बातें कहेंगे और वो डिटेल में बताएंगे, आज किसी कारणवश मुझे जाना पड़ रहा है, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपसे बात करने की इच्छा जाहिर की और आपने मेरी इच्छा को सुना है, आपने मेरी बात को बहुत गहराई से सुना है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आप जाइए, तेलंगाना की जनता आपका इंतजार कर रही है, घर घर में कमल खिलाइए, उनको संदेश दीजिए, इस भ्रष्टाचारी तानाशाही सरकार को उखाड़ने का आह्वान कीजिए,
जनता आपके साथ है। और एक बात समझ लीजिए कि ये गश्ते निशान 53 इस तरीके के ऑर्डर निकालने वाले नया निजाम, ये इसका अंतिम ऑर्डर होगा। इसके बाद ये घर बैठेंगे और आपको तेलंगाना की जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा। इसलिए इसको आप पूरी ताकत से आगे बढ़ाएं। इतना ही कहता हुआ आप सबसे न चाहते हुए भी विदा लेता हूं, फिर आऊंगा और फिर गहराई से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय तेलंगाना। नड्डा गारिकी धन्यवाद। यह सभा को दयचे अंदर।